की सासुले। तो आज पता चला कि इस साइड को भी इतना बढ़िया बिजनेस हो सकता है, इतनी सारी मच्छियाँ हो सकती हैं। जिसके घर में बुड्ढे होते हैं ना, उस घर में रौनक ही अलग होती है। बताया आपको, अम्मा मुझसे ऐसा कह रही है कि शेखर ने बोला शादी करने के लिए, या तूने कहा उसको करके। ते मैं मेरी माया मुहुनी पड़ गए अनाधुन। बुबू तो अकला ब्याह तली करी बुबू ने छोड़ सकना ही बुबू ने छोड़ सकना वाल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और मैं उठ चुकी हूँ, 7 बजे उठ गई थी। उसके बाद घर का थोड़ा थोड़ा काम किया। घर में काम भी बहुत ज़्यादा होता है यार सुबह मॉर्निंग के टाइम पे। एक तो पानी भी इतना ठंडा हुए रहता है, क्या बताऊँ। तो अभी मैंने मशीन में कपड़े भी डाले, वो भी धोने हैं, और नाश्ता वगैरह भी बनाना है। उसके बाद पापा जाएंगे दुकान। पापा मम्मी ने जानवर बा दिए हैं, मम्मी निकाल रही हैं गोबर, आमा बूबू कर रहे हैं यहाँ पे वॉक। बूबू तो चले गए हैं, आमा आमा है यहाँ पे अभी। और आमा खेत में पानी लगा रही थी, मुझसे बोल रही थी राई लगा दें यहाँ पे 2-4। मैंने वो राई के पौधे इधर उधर कर लिए हैं, और यहाँ पे जो ड्रम थे वो भी भरने थे, तभी हम पानी का पाइप इधर लेके आए हैं इस साइड को। तो राई में भी पानी फेंकना हो ही रहा है, क्योंकि राई के खेत भी बिल्कुल सूख चुके हैं। तो अब जाते हैं आगे की ओर, और मड़ुए की रोटी बनाते हैं फर्स्ट क्लास, और बढ़िया आनंद लेते हैं। सुबह सुबह हमारी 1008 दादी माँ लग गई है काम में। दादी सास जी रहने दीजिए ना, हम कर लेंगे। ओ दादी सास जी रहने दीजिए, हम कर लेंगे। लाओ मैं डोबी तुम्हारे राय बोट ले, और तो पान ले मैं दूँ। पहला मेरे रे मोड़ा मोड़ा ढूंढना तैयारी नना नना ढूंढा और बना रखे मैं लियो जिक्का ठुल्ले भाल ना उन नना नना ठीक बिया इला दीवार पैक ले गया नियो ए रोड माज में से यू चाहो नना नना बनाई तो उसे नहीं बैर वाट ये नन मनवा रहा नना नना भूल के जा नहीं हो बुढ़ पड़े का दांत नहीं बिया ईशा नीक लगना तब तो एल में बैरी में अगला और इला पकुमरी में मनवार वाट लगाट पकुन पकुन में अमा याद आ रहे तो अम मैं दगुनी बे किस यूना रशार भदो बशार यूना मैं जाड़ होगा सब अगला बैरूनी बा उधर सब मैं ही पकुन राट मैं ही पकुन राट होना गर्मी में कोई नहीं पका उसी का भदो बशार वे भदो मैं चौमास जो भी पर मणि घास सीजी हुनी बो उधर सब घास काटन जनन यूना मैंने घास नहीं पाई नहीं बो वहाँ जनन गाड़ उधर जन बो ने तो इला बैठी बैठ रोटली पर घूम रू और अगले तय भी जम रही रोट पकुन मैल दन से नहीं सी गैल मेरा मुनी बही जा पीन जला बरियात होली टोका नहीं पाओ गैल नहीं खाओ ने काम आम सीख लियो तो थर थर काम मैल बटे सीख बन आई ना चाह थर थर याले सीखी उसे टोका तो कोई ना करन तम्बाकू पीना कब से सीखा कौन था मैल पीर तो गिरो तमाग पी पूछे ये भूगल बुढ़ल बुढ़े ठाड़ भाग लिया क्यों नहीं हो मतलब तय पीवर कौश थोड़ा आराम नहीं हुई खुदान चढ़ गया कम चलो गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक अर नानु वालों का था पीर देने की अदरी जी अब क्या खचाब है अपन मुंडी आप बात हलाने हाँ क्या ना खाना आनी हलाई क्या था हाग आप पालना टप क्या चू खाने पे शुगर में ना खाना कुंजी था ना चू खाना हन बल मीट ना हन चू चलने भी हो मुर्गी मीट खाना हन बकरा के लिए खाना चुने अम्मा ऐसी बात नहीं कहते हैं। जिसके घर में बुढ़े होते हैं ना, उस घर में रौनक ही अलग होती है। बताया आपको सब है पति परमेश्वर को ना पति परमेश्वर है। इतने अच्छे पति परमेश्वर मिले फिर आप ही भी इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो आज पर याद कल करा माँ चल खादा बिना करिए बाद लव मैरिज या अरेंज मैरिज बोले आता है मतलब मुख तमिल बू मुख दियो नहीं पहली ना है ना सोने ब्याह पहनती बताना फिर तो मिली यहाँ बरियात आप आई बात देखी मुँह पहले नहीं देखी हुई तमीन बू बुले नहीं देखो तमीन ओहो फिर यहाँ और पत्ते चल मिल रहे तमर बरियात तो हाल में बामा तेरा ही है तमर ले वो बड़े काम है गरीब तमिल बुढ़ी तक कहाँ से नहीं ब्याह घास पात अदू दोस्तों आज बनेगी पालक की सब्जी भात के साथ। इसको छान लेते हैं अब खाने के लिए, धो धा के फिर इसकी सब्जी बनेगी बढ़िया वाली। तो दो देने का समय हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर मैं इनके लिए चारा ला गई हूँ, इसमें नमक मिक्स कर रखा है, और ये गिट्टी गाय के लिए। छोटे दिनों में सबसे बड़ा दुख होता है खाना बनाने का। खान खाओ भाण धो खान खाओ भाण धो खान खाओ भाण धो 3 टाइम का खाना बनाना हुआ। सुबह का खाना खाने तक दिन का टाइम हो जाता है बर्तन धोने तक,
दिन का बना के बर्तन धोने तक, फिर थोड़ी देर चूप खाया, शाम का खाना बनाना पड़ता है। तो आजकल दिन बहुत छोटे होते हैं तो दिन भर खाने का ही काम होता है। खाते रहो, धोते रहो, खाते रहो, धोते रहो। तो मेरे दिन के खाने की तैयारी हो गई है। इसमें मैंने चावल चढ़ा दिया है, इसमें पालक की सब्जी। दिन का खाना हमारा हमेशा गैस पे ही बनता है, आग में नहीं बनता। आज के दिन सिर्फ अम्मा और मैं है घर में, हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। तो आज का दिन मेरा पूरा अम्मा के नाम। पहले ना कोई बरियात कर, मैं तो ना कोई मैं करूँ बरियात के शेख रेले को तमाम मन आ रही हूँ मैं। अम्मा मुझसे ऐसा कह रही है कि शेखर ने बोला शादी करने के लिए या तूने कहा उसको करके। अम्मा को पता नहीं है। अम्मा हमारी शादी लव मैरिज या अरेंज मैरिज, मतलब कश के घर पर मन पसंद की बरियात करी है मिलिया उससे का कर चिन्हवार चिन्ह लगाने देखा चिन्ह लगू उनको की घोड़ा क्यों कहाँ हम मांगल ली छा दी हमारे चिन्ह लग गयो फिर बिटा दे चिन्ह लगी ना बात तो बरियाद हमार नदी मन पसंदी वाले ना आदम बरियाद आज हम अपनी अम्मा को दुल्हन बनाएंगे। अम्मा का फेशियल हम घर में ही कर रहे हैं। लो माँ इसको भी लगाओ कपाल में लगा दी सब में लगा दी मणि गोर दी सी तुम्हे राम अम्मा तेरे बुला अब तुम्हारे मैं पार्लर कोर्स जो सीखूँगी तुम्हारे घर कर दूँ फेशियल एशियल है माँ मणि मुखला मुल्तानी मिट्टी इट्टी लगाया काली मिट्टी को काली मिट्टी खान बुझा तो बुझा लगाई ना भैया हालत कोला ही भैया की कोला तो बुझा जलाई साथ है नवराज जी के फैन क्या कहना चाहेंगे आप गलीले में खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो मैंने पकाया तो मैं ही खाऊंगी कुछ नहीं दिखेगी पापा ने इसमें नमक अपनी आशी दोबारा डाला तो इसमें नमक ज्यादा हो रहा है मैंने इसको सार देखी राज माता की राज गद्दी सज गई है यहाँ पर बस उतन टांग लगुन चाव हमारी है माँ की कहो तताओ तताओ दीवार लग रही है क्या यहाँ पे बाप रे 20 रोड में का हिच्छा हमका से हिटू लो किनार ओए किनार इला रोड बनन मरसी तुम कदो दूर बटे यार छा कहां से आए हो तुम नहीं कुछ क्या घर से आए फिर घर का नाम क्या हुआ नेपाल बहुत जाग से ने कवाल नेपाल बटे आ रही हा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन से नेपाल से हो दार्जिला वाले नेपाल से हो या किसी और दूसरे नेपाल से अच्छा लोग अपना पेट पालने के लिए कितनी दूर दूर तक आते हैं देखो यार इतने छोटे छोटे बच्चे 10-12 में पढ़ने वाले इधर इतना काम कर रहे हैं हम तो अपने घर का ही काम कर रहे हैं उसमें भी हमें आफत आती है ओह गॉड हम अभी जा रहे हैं कहाँ लकड़ी लेने के लिए शायद से आज पापा ने थोड़ी बहुत फाड़ दी होंगी तो दोस्त हमारे गाँव वालों ने इतना बढ़िया बिजनेस कर रखा है मुझे आज पता चल रहा है क्योंकि आज मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ तो यहाँ पर इतने सारे मच्छी तालाब बनाए इतने सारे पॉली हाउस हैं और भी बहुत चीज़ें हैं मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लगा रखी हैं ये आप देख सकते हैं नीचे मच्छी तालाब चूक का बेड भी इसमें काफ़ी सारे चूक लगे हैं और एक मच्छी तालाब यहाँ पे है इधर पॉली हाउस है और इधर मच्छी तालाब है यहाँ पर भी मच्छी तालाब है तो गाँव में रह के यार लोगों ने बहुत बढ़िया बिजनेस कर रखा है तो आज पता चला कि इस साइड को भी इतना बढ़िया बिजनेस हो सकता है इतनी सारी मच्छियाँ हो सकती हैं और यहाँ को लोगों ने खेती भी कर रखी है घास वास भी स्टोर कर रखा है यहाँ पे लोटे बना रखे हैं और इस साइड को फलदार वृक्ष लगाए हैं आड़ू के
और अखरोट जैसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर जॉब के लिए जाएं, आप गांव में रहने के बाद भी यहाँ बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे देख रही हूँ मैं काफ़ी सारे मच्छी तालाब बने हुए हैं। आज पहली बार इस ओर आना हुआ मेरा, तो मुझे लगा आपको दिखा देना चाहिए। तो बहुत सारे यहाँ पर मच्छी तालाब बन रखी हैं और सभी में शायद से मछलियाँ होंगी भी। मैं तो आज यहाँ पहली बार आ रही हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है अगर गांव में आप अपना बिजनेस खोलते हैं तो। यहाँ पे माता जी भी आ गई हैं, गाना सुनाते हैं अपने ज़माने का न्योली। मैं न्योल हूँ के तो होने बोल कविता तो होनी बोली गोबदा। तुम्हारी अम्मा की फैन है ये, कभी नवराजा बोल रही है कभी गोबदा बोल रही है। तो यहाँ पर कमर में लगाने के लिए हमने सौले काट दिए हैं और हाथ में पकड़ने के लिए यहाँ पर डंडी भी काट दी है, ये रही। तो हमने नदी पार करके जाना है उस पार। तो हमारी लकड़ी काटने की जगह चेंज हो गई है, जहाँ हम पहले जाया करते थे वहाँ अब लकड़ियाँ नहीं है तो दूसरी साइड को आ रखे हैं। तो डेली डेली हम लकड़ी लेने आते हैं, दो दिन से नहीं आए थे कल और परसों क्योंकि पापा मम्मी लोग घर पर नहीं थे। आज हम फिर से आ गए हैं तो एक एक घड़ी लेके जाएंगे। अच्छा फल्याट है तो सूखी लकड़ी यहाँ पे काट रहे हैं पापा। कहाँ फट रही खल्ली है, ताकत ही नहीं है। छह सात चोट रहने फिले ने फट रहे खल्ली बल। अब मैं दबल इसे फाड़ने लगा फिर से मारो। अब मैं फाड़ती हूँ लाओ। ले 10-12 चोट मारी आपने तब जाके फटी है। हैं लगे लगे ऊपर लकड़ी फाड़ते काटने वाली मशीन ला गया, फाड़ने वाली भी लाओ ना। एक लकड़ी काटने वाली मशीन आएगी तो सबसे पहले हमारे ही घर में आएगी। अगर आप एक साल तक ऐसी लकड़ी फाड़ोगे ना पा, आपका पेट गायब हो जाएगा। एक साल तक लगातार फाड़ो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी चाहे बरसात। रख दो मैं सग लूंगी। क्या सगूंगी आपकी बहू तो इतना नहीं कर पाऊंगी क्या? आप इतनी लकड़ियाँ फाड़ रहे हो, हमारा तो सारने का ही काम है, काटने वाला बच गया ना हमारा काम। अभी हम काट रहे होते, ढूंढ रहे होते जंगल से, बस रखी रखी लकड़ियाँ मिल रही हैं तो ले जा ही लेंगे जितना भी ले जाएंगे। मैं सिर्फ खाती हूँ भाई, खाती नाम की खाती हूँ, पेट में कुछ नहीं जा रहा है। अब मैं एक गाना सुनाऊँ पा आपको। ओपा पहाड़े की चेली वाले सब पहले सुनी रखी बोलने। पहाड़े की चेली ले पहाड़े की बैरी ले, कभे नी खाया द्विरवाटा सुखेले। अब इसके बाद वाला गाना सुनेंगे आप। पहाड़े की सासुले पहाड़े का सोरा ले, कभे नी खाया द्विरवाटा सुखेले। अब अगली का 3 जोड़ा देते लें। मेरी जैसी बुआरी ले। मेरे कारण बोल जावे, मैंने क्या किया है जो मेरे कारण कह रहे हो? पापा आप ऐसा कहोगे मुझसे? ये बहू के कारण कर रहा हूँ काम कहोगे? क्यों कहोगे? ये गाना आप लोगों को डिजर्व करता है। आजकल बहुएं काम नहीं करती हैं, आजकल सास ससुर काम करते हैं। देखो मेरी भारी यहाँ पे तैयार हो गई है, छोटी वाली, ये बड़ी वाली मम्मी की है। अगर ये मैं ले जा पाऊंगी तो कितने रुपए दोगे? पापा जो मम्मी पर बात लिखी अगर ले जा लो कदू रुपये दिला बताओ। पाँच सौ रुपये ना 5,000 5,000 मतलब लगड़ा फड़ा लूँ उनका। पापा गीत खाती के सास ससुर हो आप, आपको अब एक्टिव बनना पड़ेगा, अब आपने बोलना पड़ेगा मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मेरी होश ढीली हो गई है, इतनी भारी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्वा हो गया है मुझे, हालत ख़राब हो गई है तो मैं रुक गई हूँ। मम्मी ने अपने लिए और ज़्यादा बांधे, उनको तो
और ज़्यादा भारी हो रहा होगा। बाप रे, गर्दन टूट गई मेरी आज। जो ये फ्लैट की लकड़ियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा भारी होती हैं। बाप रे, थोड़ा सा ही तो बाधी है लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा भारी हो रही है। गर्दन दर्द करने लग गया। कैसे पहुँचूँगी घर? थोड़ा सा और, भगवान शक्ति दे घर पहुँचने तक की। तो गाइज, मैं आया हूँ छत में और प्यारी सी धूप आई है देखो, और क्या खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं, वाह। तो इसी बीच मैंने चाय का आनंद लिया और ये मोहतमा आज लकड़ी लेने गई थी और इसकी हालत आप देख सकते हैं। आहा, ज़रा इधर को देखिए ज़रा, आहा। ये तो घेरी थी आज, बटाई हुई यार, बहुत भारी हो गया था। क्या आ गई मुझे, मैं परेशान हो गई हूँ ये घर के काम कर करके। आप क्या कर रही हो? ले चलो तुम अभी शहर से दूर। कहाँ जा रही? जा रही हूँ अब मैं। मुझे क्या पता, शादी से पहले तुमने मुझे उल्लू बना के शादी कर दी है। की उल्लू बना ला मैंने? तुमने कहा था कुछ काम नहीं होता, हम बाजार में रहते हैं। काम हुआ खाली ने कहा, उल्टी उल्टी बात करें। यहाँ आके लकड़ी काट, गोबर निकाल, घास काटने जा, सब तू ही कर ऐसा। मुझे पता होता मैं शादी नहीं करती। शादियों सुन लो, अभी भी जिनकी शादी नहीं हो रही है शादी मत करना। ऐसे ये लड़के लोग ना उल्लू बना के शादी करवाते हैं, उसके बाद काम करवाते हैं। ये तो हालत खराब हो गई है। तो मैंने सोचा था घर आने के बाद चूक बनेगा बढ़िया। मैं खेत से धनिया उखाड़ के ला गई थी, भांग भून दिया था, बस चूक ही नहीं बना पाई क्योंकि मैंने चाय बना दी थी तो पापा चले गए थे दुकान, और फिर इन लोगों को सबको चाय पिलाई तो चूक नहीं बनाने दिया, फिर मुकर गए ये लोग। तो फिर मैं भी चूक नहीं खा पाई, मेरा तो मन हो ही रहा था क्योंकि दो चार दिन से नहीं खा रखा है। अब दो चार दिन ही हमारी छुट्टियाँ बच गई हैं, जब तक घर है तब तक खा लेते, तो फिर उसके बाद तो कहीं खाते हैं। तो कपड़े वगैरह उठा लेती हूँ छत से, धूप भी जाने वाली है, लास्ट लास्ट की धूप बची है, जब तक धूप रहती है तब तक सेक लेती हूँ, फिर कपड़े वगैरह उठा के जाऊँगी नीचे की ओर। तो यहाँ पर गोबर का खाद लगा रखा है बड़ा सा, तो यहीं पर मैं भी गोबर पहुँचाने आ गई। अभी इसको बराबर कर लेते हैं, ये देखिए गोल करके बनाते हैं इसको। तब वो घाम मणि आज घाम से नछ रे जा बता कोई को जमा लेटो चा प्याला को घुमन जाला घुमन हां घुमन जहां भी प्याल खे अब जिक्का ना घुमने बुढ़ा काल शुगर ही तो हमा घर चा प्याला शुगर सर तो चा प्याला फिर ओन लाला रात है जाल कतली ओन दिन मा ओन आई रे लबे बारल उनी हम बोल दे ने ले को था ब्रेक गई भयो मेर पोथाई तो ना हम चा प्याला वही रे लबे कद लाला अतर बुबू तो एकला ब्याह तली बुबू ने छोड़ सक नहीं बुबू ने छोड़ सक नहीं वाल वो भी अगला सीन वाल नाचो तस्वे ते मैं मेरी माया मुहुनी पड़ गए अनाधुन आंखों मेरी टैची मुखड़ी तेरी रात दिन मयाली मुहुनी रूपसी मुहुनी। ससु को मयाली नहीं बोलूंगी, सासु तारीफ न करन बन जड़ा दी मी। अरे सास फिर घर मोगल जो। तो दोस्तों फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और अब करते हैं तैयारी खाने पीने की, देखते हैं आज किसकी सब्जी बनती है, राई की बनाऊं या गोभी की बनाऊं। अभी मम्मी आई है, मम्मी से पूछूंगी। मम्मी गई थी घेर पहुँचाने, मैं गई गोबर पहुँचाने, मिल के दोनों ने आज का काम फिनिश कर लिया है। अब आग जलाते हैं, बढ़िया आग सेकते हैं। धूप जाती है तो ठंडा होने लगता है, तो ठंडा भी हो ही रहा है, अब हवा चल रही है तो मैं आगे साइड जाती हूँ। आज मम्मी जी मेरे लिए मार्केट से सामान लेके आई है, देखते हैं क्या लेके आई है गाइस। एक तो ये पैंट लेके आई है, मुझे ये कल पसंद आया था पता है, मैं मार्केट में कहीं रुकी नहीं तो मैंने ये लिया नहीं, आज ही मेरे घर पहुँच गया। देखो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, दो इनर लेके आई है, चलो ये भी काम आ जाएंगी। शॉर्ट्स बनाने का एक फ़ायदा हुआ मुझे, मेरे लिए इनर आ गए हैं, तो आज से मेरे जो भी कपड़े फटेंगे मैंने डाल देना है, जो भी फटेगा नया आ जाएगा। तो उस दिन डाला था, आज ये इनर पहुँच गए, और ये पैंट है मेरे पसंद आया था कल ये बहुत ज़्यादा, आज ये घर पहुँच गया तो काफ़ी अच्छा लगा। मम्मी जी मेरा कितना ख्याल रखती है यार। तो दोस्तों रात बहुत हो चुकी है, आज तो 9 बज गया है, हम लोगों ने आज बहुत सारी बातें करी तो टाइम काफ़ी हो गया, अब मैं सो जाती हूँ। मिलते हैं कल को एक बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मेरे ब्लॉग देखते रहिए। बाय बाय।